जितने भी अभी रॉयल फील्ड के डाई हार्ड फैन वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो स्किप कर दीजिए, क्योंकि अभी होने वाली है जम के बुराई इस गाड़ी की। हेलो जी, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब की दुकान। तो आज की वीडियो होने वाली है ऑनरशिप रिव्यू ऑफ माय हिमालयन BS6, क्योंकि अभी तक ये गाड़ी चल चुकी है अराउंड 71,459 किलोमीटर, और कितना 2.5 साल से ऊपर हुआ है। तो आई थिंक ये बेस्ट टाइम है इस गाड़ी का एक ऑनरशिप रिव्यू देने का। तो ये वाली मेरी हिमालयन है BS6, और बाकी गाड़ी का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की तो भर की वीडियो है, तो आप सभी को पता ही होगा इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है। फिर भी एक ऊपर से आपको बता देता हूँ, 411 cc का इंजन है जो 33 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और कुछ 28 BHP जितना इसका पावर है। बाकी ज़्यादा कुछ टेक्निकल ज्ञान चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके पढ़ लीजिए। तो आज की वीडियो में मैं तो हम प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या अच्छी बात है इस गाड़ी में और क्या क्या बुरी बात है। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रोस, अच्छी बातों के बारे में पहले बात करते हैं। पहले तो भाई ये गाड़ी का जो सीटिंग कंफर्ट है, इतनी मस्त मुलायम सीट है। ये स्टॉक सीट है, मैंने इसको कुछ अलग से कुछ नहीं करवाया, ये गाड़ी के साथ ही आई थी। प्लस इसका राइडिंग पोस्चर भी अपराइट है, मतलब आप सोफे पे बैठे हो ऐसी ही फील आएगी। नॉन स्टॉप आप आराम से 100-200 किलोमीटर चला सकते हो विदाउट आपके बम को हट किए बिना। हाँ, मेरे जैसे अगर आपके स्टील के बम है तो नॉन स्टॉप ये 350 किलोमीटर भी चल जाती है। उसके बाद कितनी भी अच्छी सीट हो वो आपके बम को दर्द देगी। सेकंड पॉइंट पे बात करें तो इस गाड़ी की टूरिंग कैपेबिलिटी, आप आराम से पूरा दिन इसको 80-100 की स्पीड से चला सकते हो बिना थके। और भाई 80 इसका स्वीट स्पॉट है भाई, 80 पे गाड़ी एक जरा भी वाइब्रेट नहीं होती और मस्त माइलेज भी अच्छा निकाल के देती है। तो हाँ, ये टूरिंग के लिए तो भाई बेस्ट गाड़ी मुझे लगी। इस गाड़ी में मैंने K2K भी किया है, साउथ इंडिया भी पूरा घूमा है, उंगलिंगला भी जाके आया हूँ। तो हाँ भाई, टूरिंग के मामले में ये गाड़ी अनबीटेबल है, मतलब मिनी GS कह दो आप तो भी चलेगा। वैसे स्पीड के मामले में ये कछुआ है थोड़ी बुरी बातें बाद में करेंगे, लेकिन फिर भी बता दें स्पीड के मामले में ये बिल्कुल कछुआ है। लेकिन आपने बचपन में कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, तो उसमें से ये उस टाइप का कछुआ है, धीरे धीरे चलता है, इतना कुछ ज़्यादा स्पीड पे हाई स्पीड पे नहीं चलता। मतलब 80-100 अपने इंडिया के रोड के हिसाब से बराबर है, ना कुछ ज़्यादा है ना कुछ कम है। लॉ एंड टॉर्क भाई इसका इतना बढ़िया है कि कैसे भी ऐसे ऊबड़ खाबड़ और इससे भी ख़राब रास्ते पे डालो तो आराम से ये ट्रैक्टर के माफ निकल जाता है। धीरे धीरे चलता है लेकिन निकल जाता है आराम से, बस ट्रैक्टर बोलो तो भी चलेगा, कछुआ बोलो ट्रैक्टर बोलो, बट निकल जाता है हर जगह से। बाकी वीडियो में आगे बढ़ के बात करते हैं इस बाइक की माइलेज के बारे में। इसका 15 लीटर का टैंक है और मुझे अभी तक इस बाइक ने मिनिमम 27 से लेके 38 तक माइलेज दी है, और रेगुलर जब मैं टूर करता हूँ तब ये गाड़ी मुझे आराम से 32-31 की माइलेज दे देता है। और हाँ, जब मैं टूर करता हूँ तब मेरी गाड़ी चलती है 80-100 के बीच में। तो 411 cc इंजन होने के बावजूद भी ये 30+ माइलेज निकाल के देती है, तो आई थिंक ये बढ़िया बात है। गाड़ी आपको फुल टैंक में आराम से कितना 380 किलोमीटर चल जाती है, उसके बाद रिजर्व में जाता है टैंक, तो रिजर्व में जाने से पहले फिलअप करवा लो। वैसे भी रिजर्व में 5 लीटर रहता है इस गाड़ी में। फोर्थ पॉइंट है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट। भाई इस गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल ही इकोनॉमिक है। अभी मैंने जस्ट एक वीक पहले 71,000 पे इसको सर्विस करवाया, इसका मुझे बिल आया कुछ अराउंड 2,000 के आसपास। मतलब आप आराम से 2,000 के अंदर अंदर आप गाड़ी को मेंटेन रख सकते हो। मैं रेगुलर मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ, बाकी आप थोड़ा वियर एंड टीयर देखोगे तो जैसे कि इसका जो ये चेन सेट है वो 20,000 किलोमीटर तक चलता है अगर आप अच्छे से मेंटेन करो तो। मेरा चला था फर्स्ट वाला जो गाड़ी के साथ आता है वो 19,000 आसपास समथिंग चला था, और 71,000 किलोमीटर में अभी तक मैंने 3 चेन सेट चेंज कर दिए। उसका पूरा डिटेल मैं डाल दूंगा, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए कितने 1,000 किलोमीटर पे मैंने इसके चेंज पॉकेट चेंज करवाया। बाकी इसका क्लच प्लेट मैंने 63,000 किलोमीटर पे चेंज करवाया था। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनके क्लच प्लेट मात्र 5-10 हज़ार किलोमीटर में ही फूक गए। तो भाई क्लच प्लेट वगैरह ये जो है जो आपकी राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करते हैं, आप कैसे गाड़ी को चलाते हो उस हिसाब से आपका क्लच प्लेट चलता है। मेरा भाई सिंगल हैंड ही मैं गाड़ी को चलाता हूँ
और मैं किसी को जनरली गाड़ी देता नहीं अपनी। तो भाई ये वियर एंड टीयर आपकी राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है, आप कैसे गाड़ी को चलाते हो। अच्छे से इसको चलाओगे नहीं और ध्यान नहीं रखोगे तो क्लच प्लेट 10,000 में भी फूक जाएगा। बाकी ये गाड़ी लेके आप कहीं पे भी चले जाओ, चाहो आप ऑफ रोड में चलाओ, रोड पे चलाओ, हर जगह पे बिल्कुल मस्त चलती है। इसके फ्रंट सस्पेंशन भी बहुत बढ़िया है और रियर मोनोशॉक भी मतलब बढ़िया काम करता है। इंडिया के रोड कंडीशन के हिसाब से ये गाड़ी परफेक्ट है, कैसे भी पोर्ट होल में डाल दूँ आराम से निकल जाएगी। और अभी बात करते हैं थोड़े कॉन्स के बारे में। तो उससे पहले जितने भी अभी रॉयल फील्ड के डाई हार्ड फैन वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो स्किप कर दीजिए, क्योंकि अभी होने वाली है जम के बुराई इस गाड़ी की। तो जब भी आप कोई नई गाड़ी लेते हो तो उसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिलते हैं, जैसे कि ऐसा ग्लव्स मिल गया, हेलमेट मिल गया। लेकिन आप जब भी रॉयल फील्ड की गाड़ी लोगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम मिलेगी। सॉरी, हम इसको बोलेंगे हिडन फीचर्स। तो जब मैंने गाड़ी ली थी तो इसके साथ मुझे एक हिडन फीचर मिला था कि जब आप गाड़ी को ऐसे चलाते हो और हाथ छोड़ते हो तो गाड़ी अपने आप राइट साइड पुल करती है। ये मैंने नोटिस किया था दूसरे दिन गाड़ी परचेज़ करने के बाद। बाकी इंजन थोड़ा अलग, कुछ एक वीक के बाद इंजन थोड़ा सा कुछ अलग साउंड कर रहा था, इसलिए मैंने इसको हिडन फीचर नाम दिया है। और हाँ, जो अभी अभी नई वाली हिमालयन लॉन्च हुई है 450, उसके साथ भी सेम ये हिडन फीचर आता है। अगर आपके किसी भी ग्रुप में हिमालयन 450 है तो उनको बताओ कि क्या आपकी गाड़ी में भी ये हिडन फीचर है या नहीं। हैं, प्लस बहुत सारे ऐसे पैनल गैप आते हैं, ये कुछ आपको मिलेगा फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री हिडन फीचर्स। मतलब आप रॉयल एनफील्ड की गाड़ी ले रहे हो तो भाई रेडी हो जाओ आप सर्विस सेंटर के धक्के खाने के लिए। और ये हिडन फीचर के बारे में आपको खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी के साथ क्या क्या हिडन फीचर है। बाकी बढ़ते थोड़ा वीडियो में आगे और जम की बुराई करते हैं। तो पहला पॉइंट मैं दूंगा इसका वजन। भाई ये 200 किलो का हाथी है, इस हाथी के बराबर ये भी आती है विदाउट एसेसरीज एंड फुल टंकी के साथ 200 किलो इसका वजन है। एसेसरीज डलवाओगे तो भाई पता नहीं ये क्या बन जाएगा, हाथी से भी बड़ा हाथी। और उस हिसाब से इसका पावर ही नहीं है, मतलब वेट इनटू पावर रेशियो देखेंगे तो ये भाई मतलब वजन इसका बहुत ज़्यादा है और पावर इसके मुकाबले है ही नहीं। मतलब ये जेसीबी के अंदर अगर आप स्प्लेंडर का इंजन डाल दोगे और कैसा पावर निकालेगा वैसा इसका पावर है। मतलब इस गाड़ी का लो एंड बढ़िया है, लो एंड में पावर निकालती है, लेकिन हाई एंड में आते आते पावर वही डिसअपियर हो जाता है। और ये 200 किलो का हाथी है, ऊपर से मेरे इसमें इतना अटरम एसेसरीज डलवाया है, ऊपर से यहाँ पे अपना 3 BHK भी है, मतलब ये चलता फिरता घर है। उस हिसाब से इस गाड़ी का पावर ही नहीं है यार। 400 CC का इंजन सिर्फ कहने के लिए, 400 CC जितना इसका पावर नहीं है। अभी पावर की बात कर ही दी है तो इसके इंजन पे भी आ जाता है। भाई ये 411 CC का अनरिफाइंड इंजन है, भाई इसका रिफाइनमेंट बेचारा तेरा रिफाइनमेंट ही नहीं है। जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपको लगेगा कि आप क्या कौन सा मशीन चला रहे हो, बिल्कुल रिफाइनमेंट के नाम पे ये काला धब्बा है। हाँ वैसे तो 410 CC का इंजन है, यहाँ पर लिखा हुआ है 410। हाँ वाइब्रेशन नहीं है, ये रॉयल एनफील्ड ने कुछ जादू चलाया है उसके लिए गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं है। और वाइब्रेशन आते हैं 110 के स्पीड के बाद, और 110 के स्पीड के बाद इसको चलाना भी सेफ नहीं है। 400 CC का इंजन 110 तक ही जाता है भाई। बाकी अभी तक मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए इस गाड़ी में, तो मैन तो अभी तक मुझे सबसे बड़ा फटका लगा है वो है इसका फ्यूल पंप जो यहाँ पे विराजमान है ये वाला। तो गाड़ी के साथ आपको 3 साल और 30,000 किलोमीटर जो भी पहले हो जाए उतना वारंटी मिलता है, और मैंने गलती से वो एक्सटेंड नहीं करवाया था, वो मैं भूल गया था। और 1.5 साल के अंदर अंदर मैंने 40,000 प्लस गाड़ी चला दिया और इसका फ्यूल पंप चल बसा। मतलब चलती गाड़ी में फुल ट्रैफिक में गाड़ी झटके लेने लगी, और जब मैं शोरूम पे पहुंचा तो उन लोगों ने बताया कि भाई आपका फ्यूल पंप गया काम से। और ये इश्यू बहुत सारे रॉयल एनफील्ड राइडर्स ने फेस किया है। ये इश्यू मेनली होता है कि जब आप मेट्रो सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में 1-2 घंटे के लिए फंस जाते हो, स्पेशली इन समर, तब ये इंजन इतना ज़्यादा गर्म होता है आपकी पैर की तो ऐसे टंगड़ी कबाब बन जाएगी, घर जाके आप खा सकते हो, इतना सॉफ्ट मुलायम आपका पैर बन जाएगा। और शायद से इसी वजह से इसका फ्यूल पंप गया है। तो ये मुझे बहुत ही बड़ा फटका लगा था। शायद से 10,000 के आसपास ये छोटा सा पंप आता है,
9000 का था, मतलब लेबर वेबर सब कुछ मिला के 10000 का मुझे ये पड़ा था। तो आप भी जब ये गाड़ी ले रहे हो तो थोड़ा सा इसका वारंटी एक्सटेंड करवा लीजिए। अगर मेरी तरह आपका राइडिंग स्टाइल नहीं है फिर भी भाई करवा लीजिए, क्योंकि मेरी गारंटी है इसमें इश्यू आते ही रहेंगे। इंजन वारंटी होगी तो थोड़ा सा आपके जेब में कम मार लगेगा। बाकी हाँ, और थोड़ी बुराई कर देते हैं अभी, और क्या बाकी रह गया भाई, इसका कॉन्सेप्ट। भाई सबसे ज़्यादा चीज़ ख़राब होती है हिमालयन में तो है कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट शायद से अगर आप अच्छे से गाड़ी चलाओ तो 8000 किलोमीटर चलेगी, और उससे भी अच्छी गाड़ी चलाओ तो 10000। भाई 10000 किलोमीटर के बाद इसका कॉन्सेप्ट जाना ही जाना है। आप अच्छी गाड़ी चलाओ या ना चलाओ, पता नहीं किस घटिया वाहियात क्वालिटी का इन लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया है, मुझे पता नहीं है। मतलब जिसके पास हिमालयन होगी उसको पता होगा सबसे ज़्यादा दिक्कत कॉन्सेप्ट का ही है। और मेरी गाड़ी में 5000 किलोमीटर के आसपास ही उसका कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ा था। हाँ, तब वारंटी में हो गया था तो ज़्यादा फटका नहीं लगा था। बाकी आते थोड़ा सा गाड़ी में आगे इसके टायर के ऊपर। ADV गाड़ी है तो आपको स्पोक व्हील मिलते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात ये है कि जब ये गाड़ी पंचर होती है तब आप एक अपने बुरे से बुरे सपने को जी रहे होगे। जब आपके ये पिछली वाले टायर में पंचर होगा तो भाई आप गए काम, क्योंकि पंचर होने से गाड़ी का पूरा टायर डब जाएगा, रिम पे आ जाएगा। और लकीली मेरे साथ राइड के टाइम पंचर नहीं हुआ है, लेकिन जब पंचर हुआ है सिटी में भी, अभी चेन्नई में मेरा गाड़ी पंचर हुआ था तो गाड़ी को घसीटते हुए आधा किलोमीटर मुझे जाना पड़ा था। और जब मैं पंचर शॉप पे पहुंचा गाड़ी का ट्यूब भी फट गया था और मेरी भी फट गई थी। तो हाँ, रॉयल एनफील्ड अगर इसमें ट्यूबलेस रिम का ऑप्शन दे, वैसे तो दे दिया, इसमें तो नहीं आएगा, नई वाली हिमालयन है उसमें आएगा तो अच्छा रहेगा, एक थोड़ा सा आपको कम दर्द होगा। वैसे रॉयल एनफील्ड ले ली तो दर्द तो होगा लेकिन थोड़ा सा कम दर्द होगा टायर की वजह से। हाँ, तो आप राइड कर रहे हो लंबी राइड तो इसका पीछे का और आगे का एक एक्स्ट्रा ट्यूब लेके चलने से बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसका आगे का 21 इंच का टायर है तो इजीली मिलता नहीं है इसका ट्यूब। पीछे का तो मिल जाएगा आपको आराम से, लेकिन फिर भी बाकी थोड़ा और मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस गाड़ी का आफ्टर सेल सर्विस बिल्कुल ही बकवास है। जैसे कि आप ये हिडन फीचर लेके जाओगे सर्विस सेंटर पे कि जब मैं हाथ छोड़ रहा हूँ तो मेरी गाड़ी अचानक राइट साइड पुल कर रही है, तो वो लोग आपको ऐसे ऐसे इसके रीज़न बताएंगे कि आपको तो एक बार ऐसा लगेगा कि ना भाई मेरा क्वेश्चन ही गलत है। और हाँ, हर कोई सर्विस सेंटर भी ख़राब नहीं होता, अच्छे भी होते हैं कुछ। जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस मैं बताऊँ तो गुजरात में मुझे मोस्ट ऑफ अच्छे मिले, नॉर्थ इंडिया में भी मुझे अच्छा ही एक्सपीरियंस हुआ है, कहीं कहीं पे ख़राब भी हुआ। जैसे कि अभी गुजरात का ही बात करूँ तो मेरे एक फ्रेंड का नया गाड़ी, उसने गाड़ी को सर्विस के लिए डाला, फर्स्ट सर्विस था, 500 किलोमीटर चला तो गाड़ी का ऑयल चेंज करके वो गाड़ी में नया ऑयल डालना ही भूल गया और बाइक का इंजन सीज हो गया। तो हाँ, मेरा एक सजेशन, जब भी आप गाड़ी को सर्विस के लिए छोड़ो तो गाड़ी को अपने नज़रों के सामने ही सर्विस करवाओ। बाकी यहाँ सर्विस सेंटर की बात करें तो तमिलनाडु में ये गाड़ी का मैन्युफैक्चर होता है, चेन्नई के आसपास के एरिया में। मैं 6 महीने तमिलनाडु में था और तमिलनाडु भाई भले वहाँ पे गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है लेकिन वहाँ के सर्विस सेंटर इतने बेहयात घटिया। एक सिर्फ मेरा फ्यूल पंप का केबल निकल गया था, मुझे भी पता है कि वो केबल की वजह से इश्यू आ रहा है, वो केबल सिर्फ उनको चेंज कर, मतलब वो थोड़ा सा उसको नया क्या कहें उसको सॉकेट डालना था उसका, तो उसमें वो बोल रहे थे कि भाई आपका फ्यूल पंप ख़राब है, आपका पूरा असेंबली चेंज करना पड़ेगा। बाद में उन लोगों ने माना कि हाँ इसका सिर्फ वायरिंग का इश्यू है, उसमें मेरे 3 दिन बर्बाद कर दिए उन लोगों ने। ऐसा नहीं कि सिर्फ चेन्नई वाला ख़राब है, मैंने कोयम्बतूर में भी गया था, वहाँ का भी बकवास, विल्लुपुरम, पता नहीं 10 सर्विस सेंटर मैंने घुमाए तमिलनाडु में। हाँ, 10 में से 2 अच्छे थे, ऊटी का और चिदंबरम का सर्विस सेंटर अच्छा था, वरना तो भाई बहुत ही बकवास। मतलब हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सर्विस सेंटर आपको ख़राब ही मिलेंगे, लेकिन हाँ मेजोरिटी सर्विस सेंटर ऐसे ही है। ये कुछ थी मेरी दिल की भड़ास जो मैंने आज वीडियो में निकाल दी। हाँ, तो अभी आते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट पे कि क्या अभी भी इतने एसी होने के बावजूद भी ये गाड़ी लेनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो अपने सेगमेंट की ये अच्छी गाड़ी है, बुरी भी नहीं है जितनी बुरी मैंने बताई, ये मेरा अपना ओपिनियन शेयर किया है। हर किसी के साथ ऐसा ना हो, मैं ऐसा चाहता हूँ लेकिन हो सकता है। रॉयल एनफील्ड है, मैंने किसी से सुना था बहुत ही बड़े ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट से कि सोए हुए लोगों को जगाया जाता है लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है
उसे कैसे जगाए। हाँ, तो ये बात रॉयल एनफील्ड की हो रही है। और जो जो मैंने इश्यू आपको बताया वो अभी नए 450 में निकाल दिए, क्योंकि इंजन पूरा अपग्रेड कर दिया है, तो जो अंडर पावर थी तो उसका पावर भी बढ़ गया है। और हाँ, मेरे ग्रुप में भी 450 आ चुकी है और मैंने पर्सनली चलाई भी है। तो हाँ, जो इश्यू थे गाड़ी के साथ, रिफाइनमेंट का इश्यू था, अंडर पावर थी गाड़ी, तो वो अभी इसका पावर बढ़ गया है। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे क्या ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं, तो अगर आप 200cc से अपग्रेड करना चाहते हो तो हाँ, आपके लिए ये गाड़ी है, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा अंडर पावर ये गाड़ी फील नहीं होगी। प्लस इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो है, आराम से मेंटेन कर सकते हो। और हाँ, ये गाड़ी लीजेंड है अपने सेगमेंट की। बाकी आप 400cc से इस पर शिफ्ट होना चाहते हो तो नहीं है, ये गाड़ी आपके लिए नहीं है, अंडर पावर फील होगी। बाकी लेनी ना लेनी आपकी मर्ज़ी, अभी गाड़ी गिर जाती। तो कहाँ पे थी ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं, तो हाँ, जैसे आपको मैंने बताया कि अगर आप 200 या 150cc से अपग्रेड कर रहे हो तो हाँ, वरना आप 400cc से इसमें शिफ्ट हो रहे हो तो नहीं, तो आप हिमालयन 450 को कंसिडर कीजिए। तो हाँ, इस वीडियो में आपको अभी पता लग गया होगा कि क्या ये गाड़ी आपके लिए बनी है या नहीं। तो बस आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, एम करते हैं 150 लाइक की। तो अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब हम बात करेंगे हिमालयन 411 वर्सेस हिमालयन 450। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। आओ जाओ।